अक्सर आई है भाई मुझे तो सर प्लीज 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 चलो जरा एक मिनट पापा क्या नाम है एक माइक ले लो नहीं देगा वो भाई देगा नहीं भाई हाँ कैसा सर इतना तो बताना है अच्छा था सर ये कैमरे में बोलना है आजा आजा चलो सर ट्राइपॉड पे आ जाओ बारे में होंगे भाई सिर्फ आपको जनरल सवाल मैं चला जाऊंगा मौसम अच्छा है मौसम के बारे में बात करना जागरण फिल्म फेस्टिवल सेवेंथ जागरण फिल्म फेस्टिवल स्टार्ट हो चुका है आप भी यहां पे प्रेजेंट हैं काफी दिनों से स्टार्ट हो चुका है दिल्ली में शुरुआत हुई थी इसकी मैं वहाँ पे भी था और मैं जागरण के साथ कई सालों से इन्वॉल्व हूँ बतौर मेंटर के और मुझे जो सबसे अच्छी बात लगती है उसके बारे में कि जो छोटे छोटे शहर जहाँ पे या जो जिनको आप कॉन्डिसेंडिंगली बी टाउन कहते हैं वहाँ जहाँ सिनेमा का थोड़ा अभाव है दूसरी तरह के सिनेमा का उस वहाँ आप अच्छी फिल्में दिखाते हैं एक और तरह का सिनेमा दिखाते हैं एक ऑडियंस देखती है और ये पता लगता है उनको कि ये हर तरह की फिल्में होती हैं हर तरह का एक्सपीरियंस होता है और एक ऑडियंस तैयार भी होती है अलग तरह के सिनेमा के लिए आई रियली लव इट आई थिंक इट्स फैंटास्टिक एंड मैं अक्सर जाता हूँ इन लोगों के साथ कभी लखनऊ कभी आगरा कभी चंडीगढ़ कभी जयपुर रांची हर जगह जहाँ जहाँ जाते हैं मैं आई विल ऑलवेज गो बिकॉज आई लाइक द आइडिया ऑफ एक ट्रैवलिंग फेस्टिवल जो है और सर एक सवाल आपसे बनता है सर क्योंकि आप हमेशा सोशल मुद्दे नहीं वो मैं जागरण नहीं जागरण के ऊपर ही सर सर जागरण सर जागरण का सवाल ये है कि सर जागरण के ऊपर ही सवाल है कि हर कोई जाग रहा है आज के डेट में और इंडियन आर्मी समझ गए बड़ा समझदार है इंडियन आर्मी भी जाग चुकी है सर अभी जो खबर आपको भी मिली होगी सर उस पे एक रिएक्शन एक प्रतिक्रिया नहीं नहीं देखिए घूम नीचे प्लीज थोड़ा सा आप जहाँ तक हिंदुस्तान को डिफेंड करने का सवाल है और जहाँ तक आपकी जो टेरिटरी है उस पर अगर कोई हमला बोले तो उसका जवाब देना मैं और इंडस्ट्री के सारे लोग इसको बहुत ही सही मानते हैं और हम पूरी तरह से सरकार के इस जवाब के साथ ये तो कोई बात ही नहीं हुई हम ये चाहते होंगे कि प्यार हो भाईचारा हो हम लोग एक साथ बैठें आर्थिक प्रगति हो कल्चरल एक्सचेंज हो लेकिन अगर नहीं होगा और सामने से कुछ प्रहार होगा तो उसको जवाब तो देना ही पड़ेगा है कि नहीं ऐसे तो नहीं है तो एक तो फिर कायरता हुई अगर नहीं दिया जवाब तो अगर जवाब मैं आर्मी का कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ लेकिन बहुत बहुत सही है अगर हमने कोई स्ट्राइक की है और आपने कोई प्रीएम्प्ट किया है कुछ जो हो सकता था जो मुमकिन हो सकता था अगर कोई कैंप है जो यहाँ पे हमला बोलने वाले थे और अगर उनको आपने रोक लिया और आपने पहले ही उन पे धावा बोल दिया तो बहुत सराहना करूँगा ये देखो फिर See, it's a complicated question, but I think culture is, I mean, you cannot hold an American actor, for instance, responsible for every action of the American government, right? You cannot, there are a lot of artists who dissent, right? Those artists should also speak against wrongs in their own country is also a valid point. There's a validity that they should also say. Just as we talk of peace, they should also talk of peace. Right? So, I mean, I think, for example, so many people have worked with Nusrat Saab. Right? Who's, I mean, amazing
acquisition. So and so if there is an actor who a director wants to cast who suits his part, and if he's culturally right and suits the part, I think it'd be good if these kind of exchanges stay on. It's also very good that our films release in the neighboring country, which is specifically Pakistan, and in Sri Lanka, and in Philippines, and in Korea, and in China. For example, the business of PK in China is huge. So it's opening up a whole market and a point of view of India also. What is, I mean, the Hindi film industry and the Indian film industry is a cultural ambassador. So it presents the genius, the cultural diversity, the ability, the stories of India. And therefore, in a sense, like the American cinema promotes a lot of American stuff. Therefore, Indians are cultural ambassadors, and I think it's wonderful that our films are shown everywhere. And I think if that conversation continues, it's good, right? That said, I mean, if there is attacks, we are all with the Indian government, you know. There's no question. It's not even so a lot of people will say, why don't you speak? The fact we are Indian, we speak. The industry has always stood by, and we personally, an artist's desire is for peace. That's your desire as an artist. An artist's desire is for understanding, right? An artist's desire is for a resolution of conflict, right? So that is an artist's desire, but if there are, it's not as simple as that. If there's a problem, then, you are, of course, with the government, and to defend our land is absolutely of primary importance. Thank you so much. Sure. Thank you, sir. मैं कल बहुत ही नर्वस थी और बहुत एक्साइटेड. पहली बार फिल्म फ्रेटर्निटी से मेरे दोस्त, मेरे कलीग्स, मेरी फैमिली, मेरे मॉम और डैड के फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स आए टू वॉच मुंबई वाराणसी एक्सप्रेस एज द ओपनिंग स्क्रीनिंग एट द जागरण शॉट्स. सो आई वॉज फीलिंग सो थैंकफुल टू द जागरण फिल्म फेस्टिवल हैविंग चोजन माई फिल्म एज द ओपनिंग स्क्रीनिंग. एंड आई थिंक इट्स ग्रेट दैट आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी. इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म दैट पीपल कुड एक्चुअली कम एंड वॉच इट इन मुंबई, क्योंकि ये अगर स्क्रीनिंग कहीं और होता, मतलब अब्रॉड या कहीं और, मुंबई में नहीं, तो इतने सारे लोग, मेरे अपने लोग नहीं आ पाते. द होल क्रू वॉज हियर, सो इट वॉज अ वेरी वेरी स्पेशल डे कंसिडरिंग दैट इट्स माई फर्स्ट फिल्म, माई फर्स्ट शॉर्ट फिल्म ऑफ कोर्स, बट द फर्स्ट इज इट्स ऑलवेज वेरी वेरी स्पेशल. रिव्यूज बहुत अच्छे आ रहे हैं. राइट आफ्टर द स्क्रीनिंग ऑफ द फिल्म देयर वाज साइलेंस फॉर ऑलमोस्ट 2 मिनट्स, एंड आई थिंक इट टुक सम टाइम फॉर पीपल टू डाइजेस्ट इट, एंड देन दे ऑल क्लैप्ड. सो इट वाज अ गुड फीलिंग. और फिर जब मैंने उनको देयर वाज अ क्वेश्चन आंसर Q&A सेशन दैट हैपेंड, एंड आई वाज वेटिंग फॉर द क्वेश्चंस टू कम, एंड देन देयर वाज one man who got up from his seat and he said, Aarti, aapne hamare
30 सवाल के जवाब दे दिए बिना पूछे तो हम आपको क्या सवाल करें. तो आई थिंक द फिल्म इज समथिंग दैट विल यू नो टचेस पीपल्स हार्ट्स एंड यू नो रीचेस आउट. You know, I mean, I think the film really has a soul, and I'm sorry I'm saying this about my own film, and I should not be praising my own film. I think लोगों को ये लगना चाहिए, कहना चाहिए, but I'm only repeating what I heard yesterday. So I'm overwhelmed, and I'm extremely thankful and humbled by the response yesterday. अभी also Indian Army के सर्विस स्टाइल की है. आपको क्या कुछ कहना है? I think it was about time that our government rolled up their socks on this matter. I think terrorism is not something that should have been taken not lightly. They've not been taking it lightly, of course, but we've not been so aggressive in our approach. We've not actually ever been in attack mode. We've always been on the back foot. We've always been the ones defending ourselves. I'm glad that the government has taken such a step, because what happened with our jawans jo shaheed hue hain hamare liye border pe without knowing, sote waqt, not taken by us being Indians. I am extremely patriotic, and for me, my country, my motherland is everything. And when something like that happens, I think unko jawab mil jana chahiye, aur ab mila hai to very good. और इसी पे पाकिस्तानी जो आर्टिस्ट है जिनको बोला गया, उसके बारे में आपका क्या कहना है, जो धमकी एमएलएस ने दी है? I'm not for धमकीज एंड ऑल दैट. आर्टिस्ट होते हैं, और यू कैन नॉट मिक्स यू नो द टू थिंग्स. आई डोंट थिंक कि मुझे इस मुद्दे पर कुछ कहना है, बट मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी दैट आई डोंट थिंक वी शुड कैटेगोरिकली यू नो be against or say something against somebody from the industry or artist just because they are, you know, soft targets, and it's easy for us to, you know, say something about them kyunki wo media mein hai to main un logo ke bare mein. Actually un logo ne actually to kuch kiya nahi hai. Jin logo ne kiya hai, jo terrorist hai, sare pakistani to terrorist nahi hai. Jo hai unko jawab milna chahiye. Terrorism should stop. I'm not against Pakistan, I'm against terrorism. Thank you. For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.